हरिओम, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत अब तक कल के व्याख्यान में हमने शंभु शब्द की सिद्धि की थी। शंभु शब्द के बारे में लघु सिद्धांत कौमुदी कार्य की पंक्ति क्या थी? शंभुर हरिवत। खाली इतना ही कहा, शंभुर हरिवत एक वाक्य कह दिया। उसी से आप समझ जाइए कि शंभु शब्द के अवरूपों की आपको यदि सिद्धि करनी है तो हरि शब्द के रूप की सिद्धि में जितने सूत्र लगाए वही के वही सूत्र आप लगाते जाइए। अब हरि शब्द में क्या था? ई था, तो ई से संबद्ध गुण कार्य अय आदेश होता था। यहां ऊ है तो ऊ से संबद्ध गुण कार्य ओ और अव आदेश होता है। ये इतना अंतर केवल रहेगा, बाकी सारा हरि शब्द की तरह। अंतर क्या? केवल खाली वर्ण का अंतर दिखाई पड़ता है, कार्य का अंतर नहीं। हरि शब्द में जो कार्य हुए वही कार्य शंभु शब्द में भी होंगे। जहां गुण वहां हुआ, वहां गुण यहां हुई हो। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? एवं भानुवादया, इसी तरह के भानु इत्यादि शब्द भी चलेंगे। भानु इत्यादि शब्द भी इसी तरह चलेंगे। इसी तरह मतलब हरि की तरह कहिए या शंभु की तरह कहिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी हरि में जो नियम लगा या शंभु में जो नियम लगा वही नियम लगा के आप भानु आदि शब्दों को भी सिद्ध कर सकते हैं। एक बार मैं हल्के से बताते चलता हूं, जिससे यदि शंभु का कोई भी नियम आपके दिमाग से खिसका हो या हरि को बनाने का कोई भी नियम आपके दिमाग से खिसका हो तो वो आ जाए वापस। तो भानु शब्द में क्या बताते हैं कि भानु शब्द के बाद जब आप प्रथमा विभक्ति के एक वचन का सुप्रत्यय जोड़ेंगे तो भानु सु, सु का बचता है स, स के स्थान पर सोरु से रू होकर खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग होकर भानु बन जाएगा। ज्यादातर शब्दों में यही काम हम करते आए। फिर औ प्रत्यय जब लगेगा तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व वर्ण का सवर्ण दीर्घ होकर बन जाएगा भानु, बन जाएगा ना। हरि का हरि हुआ था, शंभु का शंभु हुआ था, तो भानु का भानु हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जस की बारी आएगी तो भानु शब्द में जो ऊ है उस ऊ को जसी चसे गुण होकर ओ बन जाएगा और एचो वायावा से अव आदेश होकर भान अव अस भानवस भानवह बन जाएगा, ठीक है। संबोधन के एक वचन में भानु सु, भानु स, स बचा और फिर भानु को ह्रस्वस्य गुण सूत्र से आपने गुण कर दिया। ह्रस्व से यहां जस प्रत्यय लगा था तो जसी च से गुण किया और जब सुप्रत्यय लगा संबोधन वाला तो ह्रस्व से गुणा से गुण किया। वहां संबुद्धि में यानी संबोधन के एक वचन में ह्रस्व से गुणा से गुण होता है, गुण किया भानो स और फिर एंग ह्रस्वात संबुद्धि से संबुद्धि के स को लुप्त कर दिया, भानो भानो खाली ऐसे रह गया, ठीक है। और द्विवचन बहुवचन में भानु भानवा वैसे प्रथमा की तरह ही बनेगा। अब आते हैं द्वितीय एक वचन में भानु शब्द के बाद हम प्रत्यय यदि लगाते हैं अम, भानु शब्द है प्रत्यय हमने जोड़ा है अम, भानु अम। भानु में है अंतिम वर्ण अक, उसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण है अम, प्रत्यय का पहला वर्ण अच है और प्रत्यय है अम, तो अमी पूर्वा कहता है अकोम मेची पूर्व रूप एकादेश, है ना, पूर्व रूप में एकादेश। अक है उसके बाद अम का अच है तो पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, ऊ और अ में से पूर्व वाला ऊ केवल बचेगा, आ उसी में समाहित हो जाएगा तो भानु म भानुम बन जाएगा, बन जाएगा ना भानुम, ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद आउट जोड़ेंगे तो जैसे औ में हुआ काम वही आउट में भी हो जाएगा, भानु प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण हो जाएगा। शस जुड़ेगा तो जसी च से गुण हो नहीं पाएगा, जस जुड़ा था तो जसी च से गुण हुआ पर शस जुड़ा तो जसी च कहाँ लगेगा, नहीं लग पाएगा ना, जसी च केवल जस प्रत्यय लगने पर ही लगता है। तो शस के अ आ को भानु के ऊ को प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देंगे, बन जाएगा भानुस। और पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद शस का स आता हो तो तस्माच सो न फुंसी सूत्र से उस स के स्थान पर न हो जाता, बन जाएगा भानून। जैसे हरि का बनाया हरीन, शंभु का बनाया शंभुन, वैसे भानु का भानून बन जाएगा। इतनी बात स्पष्ट है। अब आगे चले तो अगला
प्रत्यय लगेगा टा, क्या लगेगा ना, तो भानु शब्द के बाद या गुरु शब्द के बाद कौनो शब्द हो उकारांत, उसके बाद टा लगेगा, टा का बचेगा आ, चुटू से टा की संज्ञा होगी, हलंतम से उसका तसलोपा से लोप हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो आ बचा है उसके आ के स्थान पर आंगो नास्त्रियाम से ना हो जाएगा, बन जाएगा भानुना, ठीक है। फिर उसके बाद बारी किसकी आएगी, फिर प्रत्यय हम कौन सा लगाएंगे इसके बाद, इसके बाद प्रत्यय लगाएंगे भ्याम, ठीक है। टा के बाद किसकी बारी है, भ्याम की बारी है, तो प्रत्यय लगा देंगे हम भ्याम, जोड़ लीजिए कुछ नहीं करना है, भानु भ्याम बन गया, किसी को कोई दिक्कत इतने तक। फिर प्रत्यय जोड़ा हमने भीष, ठीक, प्रत्यय कौन सा जोड़ा, जोड़ लीजिए स को, कुछ और कोई काम नहीं करना है, केवल स को सजोर उसे रू करना है, रू का र बचेगा, र के स्थान पर खरा बसाने और विसर्जन यहां से विसर्ग कर देना है, हो जाएगा भानु भी, शंभु भी, गुरु भी की तरह भानु भी, ठीक है, हरि भी की तरह। फिर इसके बाद गे प्रत्यय लगेगा, तो गे प्रत्यय, अच्छा ये भ्याम तीनों जगह का एक साथ ही ले लीजिए, भीष भ्यास भ्यास भी ले लीजिए, भानु भी भानुभ्या भानुभ्या, हो जाएगा ना, भीष भ्यास भ्यास, चतुर्थी पंचमी तृतीय चतुर्थी पंचमी तीनों जगह, और भ्याम 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 तीनों जगह तृतीय चतुर्थी पंचमी में, खाली एक एक वचन देखते जाते। तो गे देख ले, गे प्रत्यय देखा, गे में से बचता क्या है, ए, भानु ए, गे में ग की संज्ञा हुई है इसलिए यह प्रत्यय गीत, और भानु शब्द की है घी संज्ञा, कौन सी संज्ञा, घी संज्ञा किसकी होती है, ह्रस्व ई या ह्रस्व उ जिसके अंत में आता हो ऐसे शब्द की होती है घी संज्ञा, तो भानु शब्द के अंत में ह्रस्व उ आ रहा है इसलिए भानु शब्द की है घी संज्ञा, है ना, स्पष्ट है। तो भानु शब्द की घी संज्ञा होने के कारण घेर गीति से भानु को हो जाएगा गुण, होगा, तो गुण होने के कारण घी संज्ञक के बाद गीत प्रत्यय लगा हुआ हो तो घी संज्ञक को गुण हो जाता है। अब घी संज्ञक का अंतिम वर्ण जो उ है उसको गुण होगा, ओ बन जाएगा, बन जाएगा भानु ए, एचो यवायाव, इस सूत्र से ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा, है ना, तो भानव ए बन जाएगा, भानवे बन जाएगा ना। फिर इसके बाद हम पंचमी और षष्ठी का घसी और गस प्रत्यय लगाते हैं जब, तो गसी में भी अस बचता है और गस में भी अस बचता है, दोनों एक साथ देखते हैं, ठीक है। अब भानु में जो ऊ है वहां भी गीत प्रत्यय लगा है तो घेर गीति यहां भी लगेगा, यानी घी संज्ञक के बाद अगर गीत प्रत्यय लगा हुआ हो तो गीत के अंतिम वर्ण घी, घी संज्ञक के अंतिम वर्ण ई ऊ को गुण हो जाता है, गुण हो गया भानो अस। गसी गसोश्च नियम आपने पढ़ा है कि किसी शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में एंग दिखाई पड़ रहा हूं, एंग का मतलब क्या है, ए ओ, है ना, किसी शब्द का अंतिम वर्ण ए या ओ दिखाई पड़ रहा हो उसके बाद प्रत्यय गसी हो या गस हो उसका अ हो, कौन सा प्रत्यय हो, गसी या गस उसका अ हो, तो ओ और अ में से पूर्व वाला बचता है, एंग के बाद गसी और गस का अ हो तो एंग और गसी गस के अ में से पूर्व वाला बचता है, पूर्व रूप हो जाता है, तो इस ओ और अ में से पूर्व वाला क्या है, ओ, वही बचेगा, बन जाएगा भानुस। स को ससुषो रू से पहले की तरह रू करिएगा, रू का रा बचाकर खरवसाने और विसर्जनिया से विसर्ग कर लेंगे, बन जाएगा भानो गुरो, है ना, शंभो बनाया था हमने। फिर इसके बाद भ्याम भीष वाला कोई दिक्कत नहीं है, भ्याम भ्यास वाला, भानु के बाद अब हम प्रत्यय लगाएंगे घस के बाद, बारी आती है ओस की, भानु ओस, इको यणची से ऊ को वा कर दीजिए, भानुओस हो जाएगा, भानु ओस बनेगा ना, भानुओस, ठीक है, कोई दिक्कत, भानुओस बना लेंगे। फिर इस तरह बन जाएगा भानुओ, ठीक है, साकोर उत्तु विसर्ग कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आम प्रत्यय जब लगाया तो ह्रस्व है शब्द का अंतिम वर्ण, ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट आगम हो जाएगा, नुट आगम होगा तो आम प्रत्यय जो है वह आम नहीं रह जाएगा, वह नाम बन जाएगा, और नाम ही सूत्र आपने पढ़ा है,
कि नाम प्रत्यय लगा हुआ हो तो नाम प्रत्यय से पहले आने वाले ह्रस्व स्वर वर्ण को दीर्घ हो जाता है। तो ह्रस्व स्वर वर्ण नाम प्रत्यय से पहले आने वाले को दीर्घ किया, जैसे राम में रामा नाम किया था, जैसे हरि में हरि नाम किया था, शंभु में शंभु नाम किया था, वैसे ही भानु में भानु नाम। ठीक है, स्पष्ट है। फिर अब इसके बाद जब हम प्रत्यय लगाएंगे गी, गी में से बचता है ई, लशकोत्तर द्वितीय संज्ञा की संज्ञा होने के बाद यहां नियम लगता है कौन सा, अच्छे अच्छे, यह कहता है घी संज्ञक के अंतिम वर्ण के स्थान पर अ भी हो जाता है और घी संज्ञक शब्द के बाद लगे हुए गी प्रत्यय के स्थान पर औ भी हो जाता है। दो काम करता है ये सूत्र। तो घी संज्ञक का अंतिम वर्ण जो ऊ है वह ऊ हट जाएगा, ठीक, हरंत हो गया और उस ऊ के जगह पे आ गया आ, ठीक, अच्छ। और ई जो है उस ई के जगह पे क्या आ जाएगा, औ। ये दोनों काम अच्छ घे एक ही सूत्र कर रहा है, घी के स्थान पर औ और घी संज्ञक के अंतिम वर्ण के स्थान पर अ। तो भानु जो था वह बन जाएगा भान, है ना, और औ, आ और औ में वृद्धि रेचि से वृद्धि करके बना लीजिएगा औ, भानौ बन जाएगा। तो यहां तक पहुंच गए भानौ, फिर इसके बाद भानु, हाँ बारी किसकी आएगी, ओस, भानु फिर बना लेंगे, ओस लगेगा तो सुप लगेगा तो भानुषु भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह उकारांत शब्द जितने भी हैं, गुरु विधु इत्यादि जितने भी उ अंत में आने वाले शब्द हैं, ठीक, पुल्लिंग वाले, वो सभी शब्द इसी तरह के रूप में दिखाई पड़ेंगे। अब उकारांत शब्दों में यानी जिसके अंत में उ दिखाई पड़ रहा है उसमें एक और वेराइटी आ रही है, उसमें एक और प्रकार आ रहा है जो थोड़ा सा अपवाद वाला नियम जिसमें लगता है। वह शब्द कौन सा है, वह शब्द है क्रोष्टु। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं कोई, क्रोष्टु सियार कहते हैं, सियार देसी भाषा में, है ना, अरे वो रात में जो हल्ला मचाते रहते हैं, करते रहते हैं, देखने में थोड़े से कुत्ते और लोमड़ी के बीच की प्रजाति दिखाई पड़ते हैं, लोमड़ी भी नहीं होते, कुत्ते भी नहीं होते, उससे थोड़े से अलग होते हैं और रात में बहुत चिल्लाते हैं, रोते हैं, है ना, अरे उसका वर्णन है उसमें किरातार्जुनीयम में, पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबुद्ध से स्तुति गीत मंगलई अदभ्र दर्भाम अधिशय्य शस्थलीम जहासी निद्राम सुवे शिवारुतई, वहां शिवारुतई का है, शिवा शब्द उसको कहा गया क्रोष्टु शब्द। तो मतलब वो युधिष्ठिर को द्रौपदी उकसाते हुए कह रही है कि तुम बहुत भयंकर, बहुत धन वाले, महाधन वाले शयन पर जो शयन करते रहते थे पहले और स्तुति गीत होता था तुम्हारा तब तुम उठ के जगते थे, वही तुम हो आज, जिसमें दर्भ भी ठीक से बिछाने को नहीं मिलती या कटीले दर्भ से युक्त भुइयां पे सो जमीन पर सोते हो और कैसे उठाए जाते हो, सियार के रोने की आवाज से उठते हो, जहां से निद्राम अश्वेश्वरते, पहले स्तुति गीत से जगाए जाते थे अब सियार से जगाए जाते हो, पहले बहुत धन वाले शयन पर सोते थे अब जमीन पर सोते हो, और वो दर्भ से चुभने लायक जहां पर घास हो ऐसे जगह पे सोते, तो वहां शिवारुत ही कहा, वहां क्रोष्टु शब्द का प्रयोग नहीं है, पर क्रोष्टु का अर्थ भी वही होता है जो शिवा शब्द का वहां, ठीक है, स्पष्ट है। क्रोष्टु का मतलब क्या होता है, सियार। अच्छा इंग्लिश में उसको जयकॉल कहते हैं, जिसको ना पता चले तो वो खोज लीजिएगा, है ना, जयकॉल, तो पता चले सियार का मतलब क्या होता है, किसी को हो सकता है कोई दूसरे प्रांत का व्यक्ति हो ना समझ पाए, तो उसके लिए आप फोटो बना के हम नहीं छाप के दिखा पाएंगे, हाँ वैसे दिखाना चाहें तो इंटरनेट से कनेक्ट है ही, गूगल जी से खोज के हम दिखा देंगे, लेकिन जरूरत नहीं, आप सब खुद खोज लीजिएगा, चलेगा। तो क्रोष्टु, क्रोष्टु शब्द है, इस क्रोष्टु शब्द में भी अंतिम वर्ण उ है, ये भी शंभु गुरु विधु भानु इत्यादि शब्द की तरह ही है, इसके बाद भी सु इत्यादि प्रत्यय लगे तो वैसा ही चलना चाहिए, चलना चाहिए ना। तो अब होता क्या है, क्रोष्टु शब्द के बाद जब हम प्रत्यय लगाते हैं सु,
तो जैसे भानु का आपने बनाया भानु, गुरु का आपने बनाया गुरु, शंभु का शंभु, हरि का हरि, वैसे क्रोष्टु का क्रोष्टु नहीं बना पाएंगे। कहे काहे? तो उसके लिए ये सूत्र काम आ जाएगा, कहेगा त्रिज्वत क्रोष्टु, त्रिज्वत क्रोष्टु। ये सूत्र दिखाई पड़ रहा है ना, ये सूत्र आपको अब समझना है। त्रिज्वत क्रोष्टु सूत्र के संदर्भ को निकाल कर देखिएगा, क्योंकि जो बताया जाता है वह जब तक सूत्र का संदर्भ आप अष्टाध्यायी में नहीं देखते तब तक मजा नहीं आता। तो सातवें अध्याय के पहले पाद का 95 नंबर का सूत्र आप निकाल लेंगे, त्रिज्वत क्रोष्टु दिखाई पड़ जाए, है ना। उसी के पहले सख्युर संबुद्ध सूत्र है ना, कितने नंबर पर है? 92 नंबर पर सूत्र है सख्युर संबुद्ध, ठीक। और वहीं कहीं सर्वनाम स्थाने भी आ रहा, उस सर्वनाम स्थाने आ रहा होगा, इतोत सर्वनाम स्थाने, है ना, इतोत सर्वनाम स्थाने 86 नंबर सूत्र से। तो इतोत सर्वनाम स्थाने सूत्र से क्या आ रहा है? ये वाला शब्द, काहे लिखने का है जाए, जब लिखा है वृत्ति में तो वही टिक कर देते हैं, है ना। इतोत सर्वनाम स्थाने से, सर्वनाम स्थाने का प्रसंग चल रहा है, 86 नंबर सूत्र से आ रहा है। और ये सख्यु असंबुद्ध 92 नंबर सूत्र से ये असंबुद्ध शब्द आ रहा है, ठीक है। असंबुद्धि का मतलब क्या होता है और सर्वनाम स्थाने का मतलब क्या होता है, इन दोनों के मतलब को बुझाइएगा। बहुत ज्यादा मतलब ही मत बनिएगा, पर दोनों का मतलब समझना जरूरी है। तो असंबुद्ध को समझने से पहले संबुद्धि समझना है। संबुद्धि समझे हुए हैं आप लोग, क्या होता है संबुद्धि? अच्छी बुद्धि नहीं, संबोधन में लगने वाली जो प्रथमा विभक्ति है, उस संबोधन में लगने वाली प्रथमा विभक्ति का एक वचन वाला प्रत्यय जो है सु, उसको संबुद्धि कहा जाता है। संबोधन के एक वचन के सु प्रत्यय को संबुद्धि कहा जाता है, बाकी किसी प्रत्यय को संबुद्धि नहीं कहा जाता, ठीक है। तो संबुद्धि क्या हो गई? सु प्रत्यय। असंबुद्धि मतलब सु से भिन्न सभी प्रत्यय, संबोधन के एक वचन से भिन्न कोई भी प्रत्यय हो, है ना, ये असंबुद्धि का मतलब हो गया। पर संबोधन के एक वचन से भिन्न प्रत्यय तो हो, पर वह प्रत्यय सर्वनाम स्थान ही हो। क्या हो? सर्वनाम स्थान ही हो, सर्वनाम स्थान से भिन्न ना हो। तो सर्वनाम स्थान कौन से हैं? अब यह क्रोष्टु शब्द पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग के प्रसंग में आप इतने समझ लीजिए सर्वनाम स्थान प्रत्यय कौन कौन से हैं। एक तो है सु, एक है औ, एक है जस, फिर उसके बाद है अम, और फिर उसके बाद आउट। यही तो है पांच प्रत्यय सर्वनाम स्थान, ठीक, यही पांच तो है ना। सुट अनपुंसकस्य, सुट अनपुंसकस्य सूत्र कह रहा था ना कि नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग का जो सुट है, क्या है सुट, वह सर्वनाम स्थान है, ठीक है। ये बात स्पष्ट रहेगी, सुडनपुंसकस्य तो पुल्लिंग है। अब इसमें सु औ जस ये जो तीन प्रत्यय है ना, ये दुई-दुई जगह लगते हैं, प्रथमा में भी संबोधन में भी। संबोधन में भी सु औ जस है, प्रथमा में भी सु औ जस है, पर संबोधन में जो सु है वह सु संबुद्धि है, प्रथमा में जो सु है वो संबुद्धि नहीं है, है ना। तो संबोधन वाले सु को छोड़कर जो संबोधन का औजस और प्रथमा का सु औजस और द्वितीय का अम आउट, ये इतने प्रत्यय सर्वनाम स्थान है। कैसे सर्वनाम स्थान? असंबुद्धि सर्वनाम स्थान है, ठीक है। कैसे सर्वनाम स्थान? वैसे प्रथम संबोधन का भी एक वचन भी सर्वनाम स्थान है सु, संबोधन का जो सु है वो भी सर्वनाम स्थान है, पर यहां क्या कहा गया? असंबुद्धि सर्वनाम स्थान, यानी संबोधन के एक वचन से भिन्न वाला सर्वनाम स्थान हो, ठीक है। तो ऐसे प्रत्यय के परे होने पर, यानी ये पांच प्रत्यय दिखाई तो पड़ रहा है पर पांच की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है सात प्रत्ययों की। कैसे सात भाई? औ और जस ले लीजिए संबोधन वाले को भी, है ना,
प्रथमा का सुओजस, संबोधन का औजस और फिर द्वितीय का अम आउट। ठीक है, तो ये सात जगहों पर क्या होगा, क्रोष्ट शब्द से स्थाने क्रोष्ट्रि प्रयोक्तव्य इत्यर्थ। क्रोष्ट्रि शब्द, क्रोष्टु शब्द, क्रोष्टु नहीं रह जाएगा, वह क्रोष्टु क्या बन जाएगा, क्रोष्ट्रि बन जाएगा। ऐसा ऊ नहीं रह जाएगा, री बन जाएगा। आप कहेंगे ये कौन सा मामला भाई, है ना, ऐसा कहेंगे कि नहीं कि ये क्रोष्टु और क्रोष्ट्रि कैसे बन गया, क्रोष्टु ऊ था तो ई कहां से आ गया, समस्या उठेगी ना। तो इसका समाधान यह है कि त्रिज्वत, क्या सूत्र कह रहा है, त्रिज्वत। त्रिज्वत क्या मतलब, क्या है, क्या है त्रिज्वत, खाली इतना क्रोष्टु में तो हमें क्रोष्टु समझ में आ रहा है कि क्रोष्टु शब्द के विषय में कुछ बात करें, पर क्रोष्टु शब्द त्रिज्वत हो जाता है। त्रिज्वत में क्या छिपा हुआ है, त्रिज्वत, त्रिच प्रत्ययांत की भांति। अच्छा, त्रिज्वत में त्रिच दिखाई पड़ रहा है, वह त्रिच एक प्रत्यय है, क्या है, त्रिच एक प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, रुल त्रिचो सूत्र से वह त्रिच प्रत्यय लगता है, है ना। तो त्रिच्वत यानी त्रिच प्रत्यय की भांति, किसकी भांति, त्रिच प्रत्यय की भांति, क्या होता है, क्रोष्टु, त्रिज्वत क्रोष्टु, त्रिच प्रत्यय की भांति ही क्रोष्टु शब्द का प्रयोग होता है, त्रिच प्रत्ययांत शब्द की भांति। प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्य, प्रत्यय के ग्रहण करने से प्रत्ययांत का ग्रहण होता है, तो यहां त्रिच प्रत्यय कहा गया है तो इसका मतलब त्रिच नहीं, त्रिच प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द कैसे हैं, जैसे एक शब्द है क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा कर्त्री, भ्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगेगा बन जाएगा भर्त्री, ह्री धातु से त्रिच प्रत्यय लग जाएगा बन जाएगा हर्त्री, है ना, पठ धातु से त्रिच प्रत्यय लगेगा बन जाएगा पठित्री, गम धातु से त्रिच प्रत्यय लगेगा बन जाएगा गंत्री, है ना। तो त्रिच प्रत्यय का त्रि बचता है, तो ये जो क्रोष्टु शब्द है, क्रोष्टु शब्द उकारांत तो है पर वह त्रिज्वत यानी त्रिच प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द की तरह है, ऐसा मानिए। तो त्रिच प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द कैसे हैं, ऋकारांत तो हो जाते हैं, है कि नहीं, त्रिच प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द भाई कर्त्री, हर्त्री, धर्त, ध्यात्री इत्यादि की भांति ऋकारांत तो हो जाते हैं, तो क्रोष्टु शब्द को भी ऋकारांत कर दीजिए, क्रोष्ट्री कर दीजिए, यह इसका तात्पर्य है। ठीक है, समझ रहे हैं त्रिज्वत क्रोष्टु का मतलब, पूरा अर्थ यह समझिएगा कि संबोधन के एक वचन के सुप्रत्यय को छोड़कर सर्वनाम स्थान प्रत्यय यानी सु औजस अम आउट, ये पांच प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द, ये पांच प्रत्यय लगने पर क्रोष्टु शब्द है वह क्रोष्ट्रि बन जाता है, यह इसका मतलब है। ठीक है, इतना समझे, तो अब क्रोष्टु शब्द था वह क्रोष्ट्रि बन गया, त्रिज्वत क्रोष्टु से त्रिज प्रत्ययांत की तरह हो गया। ठीक है, अब ऋकारांत बन गया, तो ऋकारांत के नियम अभी आपने पढ़े नहीं है, उकारांत होता इकारांत होता तब तो आप किसी तरह नियम चला लेते, है ना, हरि की तरह या भानु की तरह, पर यह तो ऋकारांत हो गया, इसके अंत में यह री दिखाई पड़ने लगा, है ना, क्रोष्टि बन गया, तो क्या होगा, यहां देख लीजिए, अर्थ भी समझ गए होंगे, असंबुद्ध सर्वनाम स्थाने, मतलब संबोधन से भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय होना चाहिए, है ना, क्रोष्टु शब्दस्य स्थाने, क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्ट्रि शब्द प्रयोक्तव्यः, क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्ट्रि शब्द का प्रयोग करना चाहिए, यह इसका अर्थ हो गया। ठीक, कब इन्हीं जगहों पर, संबोधन एक वचन से भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, तो संबोधन एक वचन से भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर में है, है ना, तो हमने क्रोष्टु को कर दिया क्रोष्ट्रि, अब क्या होगा,
यह सूत्र आएगा। यह अभी इस उदाहरण में काम नहीं आएगा, यह काम अगले उदाहरण में आएगा। यह जो सूत्र है ना, यह इस उदाहरण में काम नहीं आएगा, अगले उदाहरण में काम आएगा, पर पढ़ना अभी पड़ेगा क्योंकि इसका प्रसंग आ रहा है, इसकी जरूरत पड़ रही है। यह लगने लगेगा, पर इसको रोक करके ये बदिया वाला जो सूत्रवा दिखाई पड़ रहा है ना, बड़का अप्त्रिंद्रित सस्रीन अप्त्री वाला, वो लग जाएगा। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, था क्रोष्ट शब्द, उसके स्थान पर प्रयोग किसका करना है, क्रोष्ट्री का, कर दिया हमने। ऋतोंगी सर्वनाम स्थाने क्या कहता है, रिता मतलब आप समझ रहे होंगे ह्रस्वरी की बात चल रही है, ह्रस्वरी हो जिसके अंत में ऐसे शब्द की बात चल रही है ना, रिता का मतलब यही हुआ। उसके बाद प्रत्यय कौन सा हो, तो कह रहे गी सर्वनाम स्थान यो, गी प्रत्यय हो या सर्वनाम स्थान प्रत्यय। गी प्रत्यय मतलब समझ रहे हैं कौन सा है, सप्तमी एक वचन वाला गी प्रत्यय, रिकारांत शब्द के बाद गी प्रत्यय लगा हुआ हो, कौन सा प्रत्यय, गी प्रत्यय लगा हुआ हो, या फिर सर्वनाम स्थान प्रत्यय यानी सुऊज समऊठ ये लगे हुए हो, रिकारांत शब्द के बाद, तो भाई ये लगा है सु, रिकारांत शब्द भी है, उसके बाद सु प्रत्यय लग रहा है, मतलब इसकी बात याद आएगी आपको, भले ही इस उदाहरण में ना लग पाए पर यह सूत्र याद आएगा, है ना। रिकारांत शब्द के बाद गी प्रत्यय लगा हो या सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा हुआ हो, तो जरा देखिए 7.3.110 के प्रसंगों को निकाल कर देखेंगे तो आपको कहीं कौन सा गुणा है, मिदेर गुणा है क्या, ह्रस्वस्य गुणा वाला प्रसंग है ना, वहां से गुणा की अनुवृत्ति आती हुई दिखाई पड़ जाएगी। ठीक, तो गी प्रत्यय हो या सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो, कितने प्रत्ययों में काम आएगा, नी सुओज समउठ, इतने प्रत्यय लग रहे पर रिकारांत शब्द के स्थान पर गुण हो जाता है। ठीक, अब रिकारांत शब्द के अंतिम वर्ण रि के स्थान पर गुण होने लगेगा, इति प्राप्ते। देखिए रितः अंगस्य, रिकारांत जो अंग है, अंग के अधिकार में आ रहा है इसलिए अंगस्य करे, रिकारांत जो अंग है यानी प्रत्यय से पहले जो रिकारांत है, यह तात्पर्य है, अंग का मतलब प्रत्यय से पूर्व में, तो रिकारांत जो अंग है उस अंग के स्थान पर गुण हो जाता है, यानी उसके अंतिम वर्ण रि के स्थान पर गुण हो जाता है। कब गुण हो जाता है, यदि उसके बाद गी प्रत्यय हो या सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो तो। इति प्राप्ते, यह सूत्र प्राप्त होने लगा कि नहीं, यह सूत्र लगने लगा कि नहीं, क्रोष्टुषु में, क्रोष्ट्रिषु में लगने लगा ना, तभी तभी यह सूत्र आ जाएगा, ये बड़का वाला बड़का सूत्र। चलिए थोड़ा सा ऊपर खसकाना पड़ेगा तभी मजा आएगा, है ना। यहां तक क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्ट्री हो गया, वहां तक पहुंचे ही हैं आप लोग, तो हम यहां प्रभु लेखनी जी हम यहां फिर से लिख देते हैं, शब्द हो गया है क्रोष्ट्री, उसके बाद प्रत्यय लगा है सु का, सु मान लीजिए पूरा भी सु लगा रहने दीजिए, ठीक, क्रोष्ट सु। ठीक, अब ऐसी स्थिति में यह हो जाएगा ऋतोगी सर्वनाम स्थान, यो कहा कि इस री को गुण करके अर कर दो, है ना, क्रोष्टर सु कर दो, पर तभी ऋदुशलस पुरुदंसो ने हसांच लग जाएगा, ऋदुशलस पुरुदंसो ने हसांच, कुछ प्रकार के शब्दों का यह बात कर रहा है। कितने प्रकार के शब्दों की बात कर रहा है, और ऋतोंगी सर्वनाम स्थान योग सूत्र पर इसको क्यों वरीयता दी जा रही है, यह भी बात समझिएगा। जरा इसके प्रसंग को निकालिएगा, ऋदुशनस पुरुदंसो नेहसांचक, कौन सा है, सख्युर संबुद्धौ, ठीक, सख्युर संबुद्धौ एक सूत्र है और एक सूत्र है अनंगसो। चलिए लिख देते हैं, अनंगसो से अनंग भी आएगा और सौ भी आएगा,
आप इस 100 का मतलब 100 150 वाला 100 मत लीजिएगा। और सख्यो रसंबुद्ध में सख्यो शब्द कह दिया गया है, यहाँ ऋदुसनस पुरुदंस कह दिया है, तो सख्यो की अनुवृत्ति नहीं आएगी पर असंबुद्ध की अनुवृत्ति आएगी। ठीक, असंबुद्ध की अनुवृत्ति आएगी ना। तो संबोधन के एक वचन से भिन्न सौ मतलब सुप्रत्यय हो, संबोधन के एक वचन में भी सुप्रत्यय होता है और प्रथमा के एक वचन में भी सुप्रत्यय होता है, पर यह सुप्रत्यय की बात नहीं कर रहे, यह असंबुद्धि सुप्रत्यय की बात कर रहे हैं, यानी प्रथमा एक वचन वाले सुप्रत्यय की ही केवल बात कर रहे हैं। ठीक, कैसे प्रत्यय की बात कर रहे हैं, केवल प्रथमा एक वचन में जो सु लग रहा है उसी की केवल बात चल रही है ना। तो क्या हो जाता है, सुप्रत्यय हो पर में, तो सुप्रत्यय से सौ का मतलब सुप्रत्यय से पूर्व में, सौ का मतलब सुप्रत्यय से पूर्व में, यदि वह सुप्रत्यय संबोधन वाला ना हो तो, है ना। संबोधन असंबुद्धि यानी संबोधन से भिन्न, संबोधन से के एक वचन से भिन्न जो सुप्रत्यय है, ऐसे सुप्रत्यय से पहले यदि रित यानी रिकारांत शब्द हो, उसनस यानी उसनस एक शब्द है जिसका अर्थ शुक्राचार्य होता है ना, कवि नाम उशनाह कवि, वहां उशनाह शब्द बनता है उशनस है? तो ये जो उशना बनता है ना शायद, हाँ, तो ये समझिएगा उशनस और पुरुदंसस, पुरुदंसस शब्द है रिकारांत शब्द, उशनस शब्द, पुरुदंसस शब्द, अनेहस शब्द, ये चार प्रकार के शब्द की बात कर, तीन शब्द दे दिया, उशनस पुरुदंसस अनेहस, उशनस पुरुदंसस अनेहस, ये तीन शब्द और रिकारांत शब्द के बाद, ध्यान दीजिएगा, रिकारांत शब्द उशनस शब्द पुरुदंसस पुरुदंसस है और अनेहस है, इसको हम कहेंगे तो आपको तोड़ देंगे। रिकारित का मतलब रिकारांत, उशनस आपको दिखाई ही पड़ रहा है, और पुरुदंसो ने हसाम को तोड़ देते हैं, यहां देखिए क्या है, पुरुदंसस है, पुरु दम ये कहा गया, पुरु दंसस और अनेहस, ऐसा है अनेहस। ठीक, यहां जो स है पुरुदंसस का, उसको ससजशोर उसे रू हुआ है ना, और उस रू का र बचा है, र के स्थान पर अतो रो रुताद प्लुते से ऊ हो गया है, क्योंकि इधर भी आ हुआ है ना, और उस ऊ को आ और ऊ को गुण होकर ओ बन गया है, पुरुदंसो एंगा पदांता दति से ओ और आ इन दोनों में पूर्व रूप होकर अनेहसाम अग्रह लग गया। ठीक, तो पुरुदंसस और अनेहस ये दो शब्द छिपे हुए हैं पुरुदंसो अनेहस में। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये उसनस पुरुदंसस अनेहस ये तीन सकारांत शब्द और रिकारांत शब्द जो हैं, उनके बाद यदि संबोधन के एक वचन से भिन्न यानी असंबुद्धि वाला सुप्रत्यय लगा हुआ हो, यानी प्रथमा का एक वचन वाला सुप्रत्यय लगा हुआ हो, तो उस रिकारांत शब्द के अंतिम वर्ण, उसनस शब्द के अंतिम वर्ण और उस पुरुदंसस शब्द के अंतिम वर्ण और अनेहस शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर अनंग हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंग। अनंग में घ की संज्ञा है, गीच कहेगा कि केवल अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा, गीच जो है ना, गीत जो होता है वह अनेकाल हो फिर भी अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। तो रिकारांत शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर, पुरुदंसस शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर, उसनस शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर और अनेहस शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर, यानी उसनस पुरुदंसस अनेहस इन तीनों के अंतिम वर्ण स के स्थान पर और रिकारांत शब्द के रि के स्थान पर अनंग हो जाता है यदि संबोधन के एक वचन से भिन्न सुप्रत्यय हो तो। ठीक है, पूरी बात समझे। तो अब उसनस पुरुदंसस अनेहस इत्यादि की जो बातें हैं वह व्यंजनांत शब्दों में हम पढ़ेंगे, इस सूत्र को वहां फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, फिर से याद करेंगे। अभी रिकारांत शब्द का प्रसंग चल रहा है, आगे मातृपित्र इत्यादि शब्द भी आएंगे, वहां भी इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए।
रिदंता नाम, रिदंत शब्द जो है ऋकारांत, उशनसादी नाम मतलब उशनस पुरदंस अनेहस, इन सभी शब्दों को च, च मतलब भी अनंग हो जाता है, अनंग सात अनंग हो जाता है, अंतिम वर्ण के स्थान पर अनंग आदेश हो जाता है। कब? असंबुद्ध संबोधन के एक वचन से भिन्न वाला सुप्रत्यय पर में हो तो। ठीक है, पूरा भाव समझ गए हैं वृत्ति से भी। अब चले भाई, हमने अनंग कर दिया, कर डाले, चलिए कर देते हैं। तो हमने क्रोष्ट शब्द के री के स्थान पर क्या कर दिया, अंतिम वर्ण री ही तो है, जरा सुप्रत्यय को थोड़ा सा इधर खसकाते हैं, तनी जगह देते हैं, इस री के स्थान पर आ गया अनंग। ठीक, अनड नहीं, अनंग। नौ की हलंतम से होगी इत संज्ञा, कर दिया। अ की होगी उपदेशीय जन्मासिक, इत से इत संज्ञा, कर दिया, बन गया अन। ठीक, क्रोष्ट अन सु। कैमरा जी बहुत दिक्कत करते हैं, इनको बदलना पड़ेगा ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अब देखिए ठंडी लग जाने के कारण इनमें ओस जम जा रहा है, जो लिख रहे हैं वो दिख ही नहीं रहा कैमरे में, और हम थोड़े बहुत दिख रहे हैं कोहरे में कैमरे जी को, लेकिन लग गई है ठंडी, तो ऐसा कुछ यहाँ हॉल खुला है इसलिए भी हो सकता है पूरी तरह, एक आध दूसरा कैमरा व्यवस्था करेंगे तब देखा जाएगा, ट्राई किया जाएगा, पर कहीं ऐसा ना हो कि ट्राई ही हमारा गड़बड़ चला जाए, पता चले कि खर्चा करें लाखों में फायदा मिले कुछ ना। तरिदुषनस पुरुदंसो ने हसांच, समझ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, अन आ गया क्रोष्ट अन, है ना, क्रोष्ट अन जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्रोष्टन। अब था क्रोष्टु शब्द पर संबोधन प्रथमा के एक वचन में दिखाई पड़ गया क्रोष्टन, क्रोष्टन दिख गया है ना, क्रोष्टन। अब राजन अध्यात्मन नहीं, क्या कहते हैं, आत्मन अध्यात्मन की नहीं, आत्मन राजन इत्यादि जो नकारांत शब्द दिखाई पड़ते उसी तरह इसका रूप चलेगा, है ना, एक ही वचन में, क्योंकि आत्मन शब्द सभी जगह नहीं हुए, ये क्रोष्टन सभी जगह नहीं बनेगा, केवल सुप्रत्यय लगने पर बनेगा ना, केवल सुप्रत्यय लगने पर ही क्रोष्टन होगा, अनंग आगम होगा, अनंग आदेश होगा, है ना, तो क्रोष्टन सु हो गया। अब ऐसी स्थिति में ये बड़का सूत्र आया, अब त्रिंत्रिस्वस्त्री नपत्रि नेष्टि त्वष्ट्री छोत्रि छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम, यह कुछ शब्दों की लिस्ट दे दी है, कुछ शब्दों की लिस्ट दी है, देखिए इसमें लिस्ट में आपको तैयार करना पड़ेगा एक एक को। अप शब्द कौन सा है, अप। अभी यहां पर जो प्रसंग है, यहां पर जो प्रसंग है इसको हम बता देते हैं, पर इच्छा ऐसी है कि इसमें अभी रिदुषणस पुरुदंसो नेहसाम में हम वृत्त को तो देख रहे हैं, पर उसनस पुरुदंसस अनेहस ये तीनों छूटे ना, इसको भी हम कल के व्याख्यान में एक बार देख रहे हैं, है ना, पर कल संभवतः प्रतिपदा हो जाएगी, परसों के व्याख्यान में एक बार उसनस पुरुदंसस और अनेहस भी देख लें, और आज तो हम केवल त्रिच, इस सूत्र के अंदर आने वाले त्रिच के अंश को ही देख रहे हैं, यहां प्रसंग पर चल रहा है, पर हम अप में भी देखें कि क्या होता है। त्रिन, फिर उसके बाद स्वश्री नस्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री होत्री बोत्री प्रशास्त्री, ये इतने शब्दों को भी देख लें। अब आप कहेंगे देखिए त्रिन अप शब्द है, कौन सा शब्द है, अप, अप जिसका रूप बनता है केवल बहुवचन में ही आपह, है ना, आपह अपह, आपह क्यों बन गया, क्योंकि इसी सूत्र से, इसी सूत्र से ये क्या कहता है, अप इत्यादि जो शब्द हैं, अप इत्यादि, यहां क्या कह रहा, अप आदि नाम, अप आदि नाम मतलब अप शब्द है एक, अप का जिसका मतलब होता है वारी जल, ऐसा जल का सूचक जो अप शब्द है, त्रिन प्रत्यय लगकर बना हुआ जो शब्द है, त्रिन प्रत्यय ताच्छिल्य अर्थ में होता है, कर्त्री इत्यादि शब्द त्रिन प्रत्यय लगकर भी बनता है। ठीक, तो
त्रिन प्रत्यय लगकर बना हुआ जो शब्द या त्रिच प्रत्यय लगकर बना हुआ जो शब्द, त्रिन प्रत्यय लगकर भी वैसे ही शब्द बनता है, त्रिच प्रत्यय लगकर बने हुए भी जो शब्द है वो वैसे ही बनता है ना, या फिर स्वश्री शब्द हो, स्वश्री, ये सब क्या है, ये स्वश्री का मतलब होता बहन है ना, नपत्री, ये सब रिश्तेदार आ रहे हैं है ना, स्वश्री, नपत्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, त्वष्ट्री तो रिश्तेदार नहीं है, छत्री, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, ये इतने शब्द दिखाई पड़ रहे हैं रि अंत वाले, ये सभी शब्द कैसे दिखाई पड़ रहे हैं रि अंत वाले, पर इनका इस त्रिन और त्रित से ग्रहण नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें भी कुछ कुछ शब्दों में त्रिन प्रत्यय या त्रिच प्रत्यय है कुछ कुछ में, ठीक, पर वहां क्या बात है वो विशेष बात हम उसमें चर्चा करेंगे, नहीं तो अगर अभी चर्चा करने लगे तो क्रोष्ठ शब्द में हम अटके रह जाएंगे, ठीक, क्रोष्ठ शब्द अभी सुप्रत्यय वाला ही अटकाया है, अभी पता चले सातों में लगाना हो तो क्या होगा है ना, तो हाँ पर इसमें भी विस्तार से बताएंगे। तो अब देखिएगा अप इत्यादि शब्द, अप इत्यादि मतलब अप शब्द, त्रिन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द, त्रिच प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द। अब देखिए क्रोष्ठ शब्द जो है त्रिच प्रत्यय लगकर बना हुआ नहीं है, पर फिर भी त्रिजवत क्रोष्ठ है कि नहीं, त्रिजवत क्रोष्ठ ने कहा कि क्रोष्ठ शब्द त्रिच प्रत्यय लगकर भले ही नहीं बना है पर उसको त्रिच की तरह मानिए, त्रिच प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द की तरह मानिए, तो त्रिच लगकर बना हुआ है मान लीजिए भाई क्रोष्ठ, तो त्रिच से इसका ग्रहण हो जाएगा ना, नियम लगेगा। तो इनकी अप शब्द, त्रिन प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द, त्रिच प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द, स्वश्री शब्द, नपत्री शब्द, नेष्ट्री शब्द, त्वष्ट्री शब्द, छत्री शब्द, होत्री शब्द, पोत्री शब्द और प्रशास्त्री शब्द, इन सभी शब्दों, ये बहुषष्ठी बहुवचन लिखा नाम, यहां पर आप देखिएगा तो कहीं से उपधायाः और दीर्घा की बात आ रही है प्रसंग से, है नोपधाया से कि नका उपधाया की बात आ रही है और सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो से सर्वनाम स्थाने की बात आ रही है और ढलोपय पूर्व से दीर्घोण से दीर्घ की बात आ रही है ना, तो दीर्घ हो जाता है। तो अप आदि की उपधा को देख लीजिए, इसलिए अप शब्द का क्या रूप बन जाता है आप, अप में उपधा में क्या है, देखिए शब्द यहां लिखते हैं हम अप, उपधा में क्या है आ, आ इसको दीर्घ हो जाएगा, जस प्रत्यय लगाइए आप जस, आप अस, आप बन जाएगा ना, और त्रिन प्रत्यय लगकर बने हुए जो शब्द हैं उसकी भी उपधा को दीर्घ हो जाएगा। अब उपधा में त्रिन प्रत्यय लगकर बना हुआ मान लीजिए कर्तृ शब्द है, त्रिच प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द कर्तृ शब्द है, दोनों में कर्तृ ही बनेगा, कर्तृ ही, ठीक, पर उपधा में तत्ता है, ताको कैसे दीर्घ करोगे, ताको कैसे दीर्घ करोगे, तो भाव आपको यह समझना है कि वह त्रिच प्रत्यय का जो री है उसको अनंग हो गया ही, वो तो पाणिनि जी को पता ही है अनंग होगा ही, तो अनंग का जो अन बचा है उस अन की उपधा में जो अ है उसको दीर्घ करना है, ये मतलब है ना, भले ही वह त्रिच के री के स्थान पर अन हो गया है ना, पर है तो वह त्रिच ही, है तो वह त्रिच ही ना, तो उसकी उपधा में जो आ रहा है उसको दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ होने की योग्यता त में नहीं है, दीर्घ होने की योग्यता जब उस री के स्थान पर अन हो जाएगा तो उसके अ में है ना, तो जो अ है उसको हमने दीर्घ कर दिया क्योंकि त्रिच मान लिया, तो बन गया क्रोष्टान स, क्रोष्टान स, क्रोष्टन स था वह क्रोष्टान स बन गया, बना ना। अब यहां जो सु का ऊ का उपदेश है जो नासिक से संज्ञा कर लीजिएगा, तसलोप असलोप कर लीजिएगा, सब बचेगा क्रोष्टान स, इसके बाद स्थिति क्या आएगी, इसके बाद स्थिति ऐसी होगी कि बनेगा रूप हलंत शब्द है, हलंत शब्द के बाद आपने नियम पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हल याभ्यो दीर्घा सुतिश्य प्रक्तम हल, हलंत शब्द हो, न्यंत शब्द हो, आप प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द हो, उन शब्दों के बाद
सु प्रत्यय का अप्रयुक्त हो, ती प्रत्यय का अप्रयुक्त हो या सी प्रत्यय का अप्रयुक्त हो, हल वर्ण हो, तो वह लुप्त हो जाता है। तो यह सु प्रत्यय का अप्रयुक्त है, यानी एक वर्ण वाला प्रत्यय बचा है, तो यह लुप्त हो जाएगा। बचा क्रोष्टान, बचा ना। अब क्रोष्टान में भी जो अंतिम वर्ण ना बचा है, क्रोष्टान की प्रातिपदिक संज्ञा भी है और पद संज्ञा भी है, तो प्रातिपदिक संज्ञक जो पद होता है उस पद का अंतिम वर्ण यदि न दिखाई पड़ रहा हो तो नलोप प्रातिपदिकांतस्य से उसका भी लोप बन जाता है, लोप हो जाता है, बन गया क्रोष्टा। वैसे मातृ शब्द का माता बनाते हैं, पितृ का पिता बनाते हैं, वैसे क्रोष्ट का क्रोष्टा बन जाए, ठीक है। पर मातृ में इत्यादि में कुछ कहीं कहीं अलग नियम लगता है, यहाँ थोड़ा सा कुछ परिप्रत्ययों में अलग नियम लगेगा, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गए, क्रोष्टा तक सभी पहुंचे, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे साफ होना शुरू हुआ है, क्लास खत्म होते होते लगता है साफ हो जाएगा। अब कल से क्या करना पड़ेगा कि क्लास से एक घंटा पहले ही आके यहाँ लाइट जला देना पड़ेगा, कि एक घंटे में धीरे धीरे कैमरा जी लाइट पा के इसको साफ करें। लाइट जब आती, लाइट के थोड़े इसके प्रकाश से भी उसको गर्मी मिलती है ना, और उस गर्मी से फिर वो ठंडक कम होके धीरे धीरे साफ हो जाता है। तो ये देखिए क्रोष्टा बन गया। अब यहां बना लिया ना क्रोष्टा, चलिए फिर से अब क्रोष्टु शब्द पे आ जाते हैं। कहां पे पहुंचेंगे फिर से, क्रोष्टु प्रत्यय लगाया हमने औऊ लगाएंगे, औऊ भी तो भाई सर्वनाम स्थान है, औऊ भी तो असंबुद्धि है। तो असंबुद्धि सर्वनाम स्थान यदि पर में हो तो क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्ट्री शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, ऐसा त्रिजवत क्रोष्ट्री ने कहा, वही हमने कर लिया, क्रोष्टु को बना लिया क्रोष्ट्री। अब ठीक, अब बताइए जरा, यहां पर तो रितोंगी सर्वनाम स्थानयोः को रोकने वाला कोई नियम नहीं लगेगा ना, रिकारांत शब्द हो है, उसके बाद गी प्रत्यय लगा हुआ हो या सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा हुआ हो, गी तो नहीं लगा यहां, गी नहीं लगा ना, पर सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा है, गी नहीं लगा है पर सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा है, इसीलिए रितोंगी सर्वनाम स्थानयोः से इस री के स्थान पर हमने कर दिया गुण। री के स्थान पर गुण करेंगे तो गुण क्या है, अ है ना, री हट गया उसके जगह पे आने लगा अ, है ना, अधेंग गुणा से अ ए ओ को गुण कहा जाता है। पर तभी उरण रपराह जी कहे कि री के स्थान पर अगर अ ई उ हो रहा है तो वह अ ई उ नहीं आता है, अ अर इर उर हो जाता है, उरण रपराह रपर होकर आएगा तो री के स्थान पर हो जाएगा अर, क्रोष्ट अर औ हो गया, लिख ले, लिख लेना, क्रोष्ट अर औ, अर लिख देते हैं वो क्रोष्टर कर देते सीधे टर, अबे टरतराए मेंढक की तरह, ठीक, क्रोष्टर औ गुण हो गया, री को अर हो गया, यहां तक पहुंचे। अब बताइए क्रोष्टन में अगर अब त्रिंतिच लग जाता था तो क्रोष्टर में काहे नहीं लगेगा, ये भी तो है रिदंत त्रिश प्रत्ययांत, त्रिश प्रत्ययांत है, इसकी उपधा में ह्रस्व वर्ण मिल रहा है, दीर्घ कर डालो, अप्रिंत्रित स्वश्रीण अप्रीण अष्ट्रीण इत्यादि सूत्र लगकर इसकी उपधा के अर अ को दीर्घ कर दिया गया, क्रोष्टारौ बन गया। चलिए देखिए, क्रोष्टा बना लिया आपने और क्रोष्टारौ बना लिया, ठीक। इसी तरह प्रत्यय लगेगा जब जस और जस का बचेगा चुटु से संज्ञा होने के बाद, तसलोप असलोप होने के बाद बचेगा अस, क्रोष्टु अस, और क्रोष्टु अस को आप क्या करेंगे, त्रिजवत करके रूक ऊ को री कर देंगे, त्रिजवत क्रोष्ट है ना। अब यहां पर रितोंगी सर्वनाम स्थाने उसे री के स्थान पर गुण करके अर कर लेंगे तो क्रोष्टर अस, ठीक। और अब त्रिंत्रित स्वश्रेण अप्त्री सूत्र से उसकी उपधा को अंतिम से दूसरे वर्ण को दीर्घ कर देंगे तो क्रोष्टारस हो जाएगा, क्रोष्टारस जोड़ लीजिएगा, स को विसर्ग कर लीजिएगा, बन जाएगा क्रोष्टार, क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह शब्द है क्रोष्टु और उसको उसके बाद प्रत्यय लगा है अम,
त्रिज्वत क्रोष्ठी लगेगा क्योंकि सर्वनाम स्थान प्रत्यय है, अभी भी चल रहा है सर्वनाम स्थान है ना, तो उ को री हो जाएगा, मतलब क्रोष्ठु को क्रोष्ठी हो जाएगा, क्रोष्ठी ऋतों की सर्वनाम स्थान है, उसे ऋकारांत शब्द है और सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर में है, इसलिए री को गुण होकर क्रोष्टर अम। अप्रिंत्रित सस्रिन अप्रि सूत्र से इसकी उपधा को कर दिया दीर्घ क्रोष्टार अम, जोड़ लीजिए क्रोष्टारम, ठीक है बन जाएगा स्पष्ट है क्रोष्टारम। फिर आउट लोग जोड़ेंगे तो पहले जैसे औ में क्रोष्टारो बनाया वैसे यहां भी क्रोष्टारो बना लीजिएगा, स्पष्ट है। अच्छा यहां तक पहुंचे, बारी आई किसकी, शस की, हम आउट तक तो निपट गया ना, शस की बारी आई तो क्रोष्ट्री नहीं, क्रोष्ट्री नहीं, शब्द तो कौन सा है क्रोष्टु और प्रत्यय कौन सा है शस, शस का बचता क्या है अस, क्रोष्टु अस, क्रोष्टु अस। यहां पर क्रोष्टु और अस में आप देख पा रहे होंगे, आपको लगेगा त्रिज्वत क्रोष्टु हम कर ले, कर पाएंगे का, क्यों, क्योंकि यह असंबुद्धि प्रत्यय तो है पर सर्वनाम स्थान नहीं है, सर्वनाम स्थान केवल सु औजस अम आउट ये पांचे हैं, तो ये तो शस है, यानी यहां पर त्रिज्वत क्रोष्टु नहीं लग पाएगा, नहीं लगेगा ना, तो री नहीं होगा, री नहीं होगा तो प्रथम यो पुरुष वर्ण से दीर्घ कर डाले, जो सब जगह नियम लग रहा था ऊ को और अ के, ऊ और अ के स्थान पर बड़ा ऊ होकर आ जाएगा क्रोष्टुस, और तस्मात छसोन पुंसी पुरुष वर्ण दीर्घ के बाद सस का सा आता हो तो उसके स्थान पर न हो जाता, बन जाएगा क्रोष्टून। यहां तक पहुंच गए ठीक, तो इसको भी आप देख लीजिए, अप इत्यादि शब्दों के उपधा को दीर्घ हो जाता है यदि उनके बाद संबोधन के एक वचन से भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय परमे हो तो, ठीक है यहां तक पहुंच गए, क्रोष्टा क्रोष्टारो क्रोष्टारा क्रोष्टारम क्रोष्टारो क्रोष्टून तक पहुंच गए हैं। जरा अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे काबा है ना, अब बारी आई, यहां से जो बारी है ना थोड़े मजेदार है, विभाषा तृतीयाधिश्वचि, विभाषा तृतीयाधिश्वचि, यही इसके प्रसंग को आप देखेंगे तो इसी के पिछला सूत्र था त्रिज्वत क्रोष्ट, पिछला ही सूत्र था ना, जरा देखा देते हैं, ये 97 है, जरा त्रिज्वत क्रोष्ट जी कहां गए, 95 है ना, 7195 और 7197, अच्छा 7196 कौन सा है बताइए, स्त्रियांच है ना, स्त्रीलिंग में भी, मतलब स्त्रीलिंग में भी क्रोष्ट्री बनेगा, क्रोष्टु नहीं रह जाएगा क्रोष्ट्री हो जाएगा, और ऋकारांत होने के कारण ऋण्यभ्यो गीप से गीप हो जाएगा क्रोष्ट्री हो जाएगा, ठीक, ये स्त्रियांच का मतलब है। विभाषा तृतीयाधिश्वचि, विभाषा तृतीयाधिश्वचि क्या कह रहा है कि अब तृतीया इत्यादि प्रत्यय हो, तृतीया यानी ये जो तृतीया इत्यादि प्रत्यय हैं, तृतीयाधिशु, तृतीयाधिशु का मतलब समझ रहे हैं कि प्रथमा द्वितीया के प्रत्यय को छोड़कर, यानी सुऔजस को छोड़कर अम औटस को छोड़कर है ना, जो तृतीया इत्यादि प्रत्यय हैं टा से लेकर के टा के बाद के जितने भी प्रत्यय हैं वो तृतीया इत्यादियों में प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो तो, तृतीयाधिशु अची। अब तृतीया इत्यादियों में जिनका पहला वर्ण अच है उनकी जरा सा हम लिस्ट दिखा देते हैं, टा गे गसी है ना, गस, आप लोग कहेंगे कि पगला गए हैं, कौनों भी में पहला वर्ण स्वरवर्ण नहीं मिल रहा है और कह रहे हैं पहला वर्ण स्वरवर्ण, भाई हम कहते हैं कि कौन सा किस प्रत्यय का पहला वर्ण है यह ज्ञात आपको कब होगा, जब आप उसकी संज्ञा और लोप करेंगे उसके बाद, तो इत संज्ञा लोप करने के बाद बचता है आ,
उपसंज्ञालोप के भरने के बाद बचता है ए, इस संज्ञालोप करने के बाद अस अस है ना, फिर उसके बाद ओस, ठीक समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद आम, ठीक है, फिर इसके बाद गी, और ओस तो दोबारा आ ही गया, दोबारा भी आएगा ओस। इतने जो प्रत्यय हैं ये प्रत्यय अची हैं कि नहीं, तृतीया इत्यादि अच है, वैसे अम आउट इत्यादि जो सु औजस अम औचस ये भी बीत गए आजादी, पर वो तृतीया आदि अच की बात कर रहा है। तृतीया इत्यादि प्रत्यय हो उसका पहला वर्ण अच हो तो जो त्रिजवत कोष्ठ जो काम कर रहा था वही काम विभाषा होगा। अब आप कहेंगे व्हाट इज विभाषा, क्या है विभाषा, तो कहा है विभाषा के लिए पाणिनि जी ने पहले ही अध्याय के पहले ही पाद में न वेति विभाषा, न वेति विभाषा एक ऐसा सूत्र कहा है कि जो काम हो भी और न भी हो उसी को कहा जाता है विभाषा। यानी तृतीया इत्यादि, तृतीया इत्यादि कोई प्रत्यय हो जिसका पहला वर्ण अच हो तो त्रिजवत क्रोष्ट जो काम कर रहा था वह काम होगा भी और नहीं भी होगा, यानी विकल्प से दोनों तरह का रूप मिलेगा। यानी क्रोष्ट को क्रोष्ट्री भी कर सकते हैं और क्रोष्टु भी रख सकते हैं, दोनों तरह का रूप मिलेगा, यह मतलब है, ठीक है। तो अब भाई अच्छी की ही केवल बात चल रही है, हली की तो बात चल नहीं रही है। तो जब हलवर्ण पर में रहेगा भ्याम भिस इत्यादि प्रत्यय, देख लीजिए हम यहां लिख रहे हैं शब्द, क्रोष्टु शब्द है, जल्दी से इसको निपटा देते हैं। इसके बाद प्रत्यय आएगा भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस, ये तृतीया वाले जो तृतीया चतुर्थी पंचमी वाले द्विवचन बहुवचन वाले प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय यदि लगे तो पहला वर्ण व्यंजन है, तो विभाषा तृतीया द्विश्वची की प्रसंग ही नहीं आएगा, है ना। और सप्तमी का सुप प्रत्यय लगेगा तो भी यही बात रहेगी, है ना। तो वो प्रत्यय लगने पर क्या होगा, क्रोष्टु शब्द क्रोष्टु ही रह जाएगा, तो भानु शब्द की तरह, शंभु शब्द की तरह, हरि शब्द की तरह जैसा काम किया था वही सारा काम कर देना, मतलब कुछ नहीं करना है, खाली बस जोड़ देना है, क्रोष्टु भ्याम, है ना, क्रोष्टु भ्याम क्रोष्टु भी, क्रोष्टु भ्याम क्रोष्टु भ्याह, क्रोष्टु भ्याम क्रोष्टु भ्याह, और क्रोष्टु शु मूर्धन्य श कर देना है केवल, ये बन जाएगा। वहां त्रिजवत क्रोष्टु इत्यादि कोई नियम नहीं लगाना है, पर बाकी बचे ये जो प्रत्यय है ना, ये प्रत्यय लगेंगे तो क्रोष्टु शब्द भी रहेगा और क्रोष्ट्री शब्द भी रहेगा, विकल्प से होगा। तो जब क्रोष्टु रहेगा तो इसकी घी संज्ञा है, क्रोष्टु शब्द रहेगा तो उसको भानु शंभु गुरु इत्यादि शब्द की तरह बना लेंगे, पर जब क्रोष्ट्री हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों तरह के इन रूपों को हम अग्रिम व्याख्यान में ही चर्चा करें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, अभी ज्यादा अंधकार हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोष्टु शब्द पर हम प्रथमा और द्वितीया के रूप देखे हैं, तृतीया से आगे के जो द्विवचन बहुवचन वाले रूप है यानी जिनका प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है उनको देखा है, पर प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण है तो विभाषा तृतीया दिश्वची क्या कहता है कि अजादिशु तृतीया दिशु, अजादिशु तृतीया दिशु का मतलब अजादि हो तृतीया इत्यादि विभक्ति के प्रत्यय, अजादि हो यानी पहला वर्ण अच हो, पहला वर्ण अच हो ऐसे तृतीया इत्यादि के जो प्रत्यय है उस स्थिति में क्रोष्टु शब्द को वा यानी विकल्प से त्रिजवत हो जाता है यानी क्रोष्ट्री बन जाता है। तो एक जैसे एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूं कि तृतीया का जब टा प्रत्यय लगाएंगे है ना तो विकल्प से यह टा में से बचता क्या है आ, तो विभाषा तृतीया दिश्वची लगेगा तो क्रोष्ट को विकल्प से क्रोष्ट्री भी हो जाएगा ना, और जब क्रोष्ट्री नहीं होगा तो आंगोनास्त्रियम लगा लेंगे आप, क्रोष्टुना बना लेंगे, आ को ना कर लेंगे क्रोष्टुना, जैसे शंभुना भानुना बनाया था वैसे क्रोष्टुना बन जाएगा जब ये त्रिजवत नहीं हो पाएगा तब, और जब त्रिजवत हो जाएगा तो क्रोष्ट्री
आ हो जाएगा। क्रोष्ठी आ, यहां आंगोनास्त्रियाम नहीं लग पाएगा क्योंकि घी संज्ञक के बाद आंगोनास्त्रियाम लगता है, इसकी अब घी संज्ञा रिकारांत होने के कारण नहीं हो पाएगी, है ना। तो रिकारांत होने के कारण घी संज्ञा नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, क्रोष्ठी आ इको हो जाना चाहिए, लगेगा ना भाई, री हट जाएगा ये वाला, ये टा हलंत हो गया, इसमें आ गया जुड़ गया री, बन गया क्रोस्ट्रा। ये टा में जो री जुड़ता है वो थोड़ा ऐसे जुड़ता है ना, बन जाएगा क्रोस्ट्रा, बन जाएगा आ की मात्रा। तो ऐसे ही दोनों तरह के रूप तृतीया इत्यादि में दिखाई पड़ेंगे, क्रोस्ट्रे भी बनेगा और क्रोस्टवे भी बनेगा, है ना, स्पष्ट है। क्रोष्टुः भी बनेगा और क्रोष्टोः भी बनेगा, ठीक, क्रोष्टुः क्रोष्ट चलेगा। तो अभी यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद के व्याख्यान को हम, इसके बाद के सूत्रों को या उदाहरणों को अग्रिम व्याख्यान में पढ़ेंगे। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।